हमारे कोर्ट्स में एडवर्सरियल प्रोसीडिंग्स को फॉलो किया जाता है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग यह हुआ कि कोर्ट सब सुनेगा और पार्टीज बोलेंगी, मतलब कि पार्टीज अपने केस को प्रेजेंट करेंगी और कोर्ट उन एविडेंसेस के बेसिस पर अपना जजमेंट देगा। लेकिन व्हाट इफ कोर्ट के माइंड में कोई क्वेरी आ जाए, कोई डाउट आ जाए, तो क्या वो उसको क्लियर नहीं करेगा? मतलब सिर्फ सुनता रहेगा, बोलेगा कुछ नहीं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वी हैव प्रोविजन इन इंडियन एविडेंस एक्ट जो कोर्ट को पावर देता है टू पुट अप एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी पर्सन और एनी पार्टी, ठीक है, चाहे वो रेलेवेंट हो चाहे वो इररेलेवेंट हो। तो ये ब्रॉड पावर्स हमें 165 एविडेंस एक्ट में दी हुई हैं और कोर्ट इन पावर्स का इस्तेमाल करके अपनी डाउट क्लैरिटी कर सकता है।